आज हमारे गृह बसंत, आज हमारे गृह बसंत, गुण गाए प्रभु तुम बेअंत, गुण गाए प्रभु तुम बेअंत, आज हमारे गृह बसंत। आज हमारे गृह बसंत, आज हमारे गृह बसंत, गुण गाए प्रभु तुम बेअंत, गुण गाए प्रभु तुम बेअंत, गुण गाए प्रभु तुम बेअंत, गुण गाए प्रभु सगली रूते हरिया होए, सगली रूते हरिया होए, सद बसंत गुर मिले देव, सद बसंत गुर मिले देव, गुण गाए प्रभु तुम बेअंत, गुण गाए प्रभु तुम बेअंत।
प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, भक्ति भाव, भजन अभ्यास करना, ये हम सब के साथ शिष्य के शुरुआत से जुड़ा हुआ है। हम सब यही समझना शुरू हो गए हैं कि शायद जो चीज़ अच्छी है वो वेस्ट से आती है, कि शायद बाहर के देशों में बड़ी तरक्की हो रही है और वहाँ की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, और जो हमारी संस्कृति है, जो बुनियाद है, उससे हम दूर चले गए हैं। हिस्ट्री की ओर देखें तो बाहर के देशों के लोग यहाँ भारतवर्ष में आते थे कुछ सीखने के लिए, और वो बुनियाद हम सबके हाथों से शायद निकल गई। आज का समय एक ऐसा समय है जब फिर से भारतवर्ष क्या है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या हमें मिल सकता है, उसकी और दुनिया की नज़र जा रही है। और अध्यात्म का रास्ता, जो अपने आप को जानने का रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उस रास्ते पर बहुत से भाई बहन चलने शुरू हो गए हैं। हम इंसान हैं, इस धरती पर आते हैं, जिस परिवार में पैदा होते हैं उस परिवार के तौर तरीके सीखने शुरू हो जाते हैं। जो भाषा हमारे घर में बोल दी जाए, अगर गुजराती बोली जाए या पंजाबी बोली जाए या हिंदी बोली जाए या कोई और भाषा बोली जाए, कोई भाषा हम भी बोलनी शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे तौर तरीके हैं वही हम अपने माँ बाप के ज़रिए सीखते हैं, भाई बहन के ज़रिए सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर्स के ज़रिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंसेस, मैथ्स, लैंग्वेजेस सीखते हैं, ताकि हमें इस दुनिया की कोई जानकारी मिले। हम इस माहौल में जीते हैं कि जहाँ हम जी रहे हैं इसकी जानकारी होगी तो हम अच्छा करेंगे। इंसान पढ़ता लिखता है ताकि उसे जानकारी हो, वो जब बड़ा हो, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने आप को संभाल सके, अपने परिवार को संभाल सके। और जैसे
उस स्टेज तक हम पहुँचते हैं जब कॉलेज से पास हो गए, काम काज में लग गए, चाहे अपना बिजनेस करें, चाहे हम किसी के लिए काम कर रहे हों, चाहे पढ़ा रहे हों या कुछ भी कर रहे हों जिससे कुछ इनकम हमको मिलती है, तो फिर इंसान यही सोचता है कि उसकी शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी होती है, घर का ख्याल करता है, बच्चे होते हैं, उनको पालन पोषण में लग जाता है और ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से हमारी चलती जा रही है। हम सोचते हैं, ज़्यादा लोग सोचते हैं, प्रभु को याद करना तो बुज़ुर्गों का काम है। अभी हम जवान हैं, अभी तो दुनिया की चीज़ें करनी बहुत सी हैं, हम दुनिया की ये चीज़ सीखते हैं, वो चीज़ सीखते हैं, वो चीज़ सीखते हैं और यही सोचते हैं कि जब रिटायर होंगे तो बहुत समय है प्रभु को जानने का, पहचानने का। हम सब सुख चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और खुशियाँ हम सोचते हैं कि हमें बाहर की दुनिया की चीज़ों से मिलेंगी। धन दौलत ज़्यादा होगी तो शायद ज़्यादा खुश होंगे, शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा तो ज़्यादा खुश होंगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो ज़्यादा खुश होंगे और इन्हीं की खोज में इंसान लगा रहता है। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार 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 हमें समझाते चले आए हैं कि अगर ज़िंदगी के मकसद को पाना है तो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना होगा। अभी हम सब गुरु अर्जुन देव जी महाराज का लिखा हुआ एक शब्द सुन रहे थे जिसमें वो समझा रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ कहाँ से आती हैं। बसंत ऋतु की बातचीत कर रहे हैं, सर्दी के बाद, सर्दी में पतझड़ होता है, ठंड होती है, ज़्यादा पेड़ पौधे सब में हरियाली हटती है और फिर स्प्रिंग सीज़न आ जाता है, बसंत ऋतु आती है, जबकि नई नई चीज़ें उगनी शुरू हो जाती हैं, एक खुशी का माहौल होता है और उस माहौल का एग्ज़ाम्पल लेकर हमें गुरु साहब समझा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। हम सब जो अपने आप को शरीर समझते हैं, किसी न किसी समय ज़िंदगी के, हमारी ज़िंदगी में जब कोई बहुत नज़दीकी इस शरीर को छोड़ देता है तो हमारे अंदर ज़रूर ख्याल आते हैं कि इन्हें हुआ क्या है, क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं जिनकी फिज़िकल सेंस में मौत हो गई हो तो देखते हैं शरीर तो वैसे ही है, ये नहीं हुआ कि शरीर श्रंक हो गया, ये नहीं हुआ कि कुछ चीज़ें हट गई हैं शरीर से, लेकिन वो इंसान न देख पाता है, न बोल पाता है, न चल पाता है, कुछ कर नहीं पाता। तो हम लोग क्या कहते हैं, चाहे वो हमारे पिताजी हों, माताजी हों, दादाजी हों, दादी जी हों, भाई बहन हो, इवन अगर बाल बच्चे भी हों, तो हमें अंदर से तो ये समझ में आ जाती है कि जो वो इंसान था वो चला गया, ये हमें क्लियर होता है। अगर ये क्लियर ना हो तो हम उस शरीर को कभी घर से जाने ना दें। ये तो क्लियर हो जाता है कि जो हस्ती थी वो चली गई, तो उस शरीर जो पांच तत्वों का बना हुआ है, हम अपनी ट्रेडिशंस के लिहाज से पांच तत्वों में मिला देते हैं, चाहे हम उसे बरी कर दें, दफना दें, चाहे उसको क्रीमेट कर दें, प्रोसेस वही है कि पांच तत्वों का जिसका शरीर बना उसमें वापस चला जाए, क्योंकि ये इनहेरेंटली हमको समझ में आता है कि भाई वो जो हस्ती थी, जो जीव था वो चला गया। तो वो जीव कौन था ये समझना बहुत ज़रूरी है, बार 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 वापस समझाते हैं। जो इस शरीर को जो ताकत दे रहा है, जो इसमें पावर हाउस है, जो जब तक इस शरीर में है ये शरीर जीवित है, ये शरीर देखता भी है, चलता भी है, बोलता भी है, सोचता भी है, कार्य भी करता है,
इसको जब तक ताकत मिलती है चलता रहता है, वो ताकत प्रभु का अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा। वो आत्मा जब तक ये शरीर में रहती है, इस शरीर को जान देती है, और जब इसे सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई। तो उस ताकत को जीते जी हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। उस आत्मा की जानकारी जब हम पाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। और ये भी समझ में आ जाता है कि 84 लाख जिया जून में वो आत्मा भटक रही है, कभी एक योनि में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कभी चौथे में। तो प्रभु जो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, उनको हम सब पर दया आई। हम सब जो इस समय इस धरती पर जी रहे हैं, इंसानी चोले में जी रहे हैं, कोई 8 बिलियन के करीब लोग हैं, कि प्रभु ने उनको चुना, नहीं तो करोड़ों, कई करोड़ों आत्माएं होंगी। अगर देखें कि 84 लाख जिया जून हैं, कितनी कितनी अलग एग्जिस्टेंसेस हैं, हर एक में आत्मा है, तो आप सोचते हैं कितने करोड़ों अरबों खरबों आत्माएं होंगी, उनमें से थोड़ी सी चुनी गई जिन्हें प्रभु ने बसंत ऋतु में भेज दिया। इंग्लिश में उसे डार्कनेट ऑफ द सोल कहा गया है, कि हमारी आत्मा जब 84 लाख जिया जून में भटक रही होती है तो उसके अंदर कोई ताकत नहीं, उसके आसपास कोई पदार्थ नहीं कि वो अपने आप को जान सके। तो ये मानव चोला, इसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया है, कि जितनी भी योनियाँ हैं सबसे उत्तम योनी है, कि इसमें प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम जब इस रूप में आते हैं, जब हमें मानव चोला मिलता है, तो प्रभु ने हमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी है कि हम निर्णय कर सकते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और फिर हम सच्चाई की ज़िंदगी जी सकते हैं। ये बार 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 जब भी हम महापुरुषों के वचन सुनेंगे ये हमें समझाया जाता है। इस शब्द में गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमारी बसंत ऋतु आ गई है, हमारे उगने का टाइम आ गया है, हमारे ग्रोथ का टाइम आ गया है, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और फ़ायदा कैसे उठाएंगे वो इस शब्द के ज़रिए हमें समझा रहे हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि आज हमारे ग्रह बसंत गुण गाए प्रभु तुम बेअंत। तो रिकग्नाइज करना कि ये जो सृष्टि है ये अपने आप नहीं चल रही, ये नहीं कि कोई प्लैनेट से उनकी को टक्कर हो गई और धरती बन गई, कि सृष्टि को रचने वाला कोई है, उसे पिता परमेश्वर कहें, वाहेगुरु कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, कि उनके बहाने में, उनकी रजा में सब कुछ होता है, उनके हम गुण गाएं, उनको याद करें, उनको जानें, उनको पहचानें, उनसे प्रेम करें, उनसे लगाव करें। इस समय हम क्या कर रहे हैं, दुनिया की चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए, उनकी देनों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसने सब कुछ बनाया है उसको हम भूल गए हैं और उनकी देनों के पीछे भागते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ की सैर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिसने सब कुछ बनाया उसकी और ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि गुण गाए प्रभु तुम बेअंत। एक तो रिकग्नाइज करना कि पिता परमेश्वर का कोई अंत नहीं, जैसे गुरबाणी में आया कि आज सच जुगा सच है भी सच नानक होते भी सच, कि सृष्टि के शुरुआत में प्रभु थे, आज भी हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे,
और कुछ ऐसा है नहीं जो कि सदा सदा के लिए रहता है। एक प्रभु और उनसे जो शब्द उत्पन्न हुआ जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई है, जिसके जरिए सारे खंडमंडल बने, जो कणकण में समाया हुआ है, जिसके साथ जुड़कर हम आज इस धरती पर जी रहे हैं, वो शब्द हमारे भीतर चल रहा है, 2400 घंटे चल रहा है, 365 दिन हर साल के चल रहा है। वो एक पुकार है, प्रभु की पुकार, कि हम उस शब्द के साथ जुड़ें। वो शब्द जो कण कण में समाया हमारे भीतर है, उसको हम, उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। प्रभु की ज्योति के हम दर्शन कर सकते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुन सकते हैं, इन आँखों से नहीं, इन कानों से नहीं। ये तो सिर्फ बाहर की चीज़ें देखने और सुनने के लिए बनाए गए हैं। जब हमारा ये शिव नेत्र खुलता है, दसवां द्वार खुलता है, और इंसान को रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन क्यों कहा, सबसे उत्तम चोली क्यों कहा गया है, कि प्रभु ने हम सबको ये शिव नेत्र दिया, दसवां द्वार दिया है, सिंगल ए थर्ड आई दिया है, वो द्वार जो कि अंदर की दुनिया में खुलता है। अध्यात्म के खजाने हम सबके भीतर हैं, हमें उस ओर ध्यान करना है। उसको ध्यान कैसे करेंगे, इस समय तो हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है शरीर से बाहर जा रहा है। हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, इन आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, और हजारों सेंसर्स हैं, फीलिंग्स ऑफ टच। तो इन पांच इंद्रियों के जरिए ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, उसे अंदर की ओर करना है। अंदर की ओर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक शांत जगह ढूंढें, शांत होगी तो सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाएगी। अभ्यास के लिए जब हम बैठे हैं तो बड़ी तादाद में हम इकट्ठे बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि हमारे शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान ले लेगा हम बिल जाएंगे, ताकि जो स्पर्श की इंद्रिया अंदर को खिंच जाए। हम कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम अगरबत्तियाँ जलाएं, उसको एरिया को बड़ा स्पिरिचुअल बनाएं, कहीं आध्यात्मिक एरिया कर रहे हैं, क्योंकि अगर करेंगे तो सूंघेंगे उन चीज़ों को तो ध्यान उतर जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु ने सारी सृष्टि रची, सारी चीज़ें प्रभु के प्रेम से बनी हुई है, जहाँ मर्जी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, ताकि इस सूंघने की इंद्रिया अंदर को खिंचे। जब हम अभ्यास करेंगे, हम खाएँ पियेंगे नहीं, तो चखने की इंद्रिया अंदर को गई, और आँखें बंद की तो देखने की इंद्रिय भी अंदर को गई। तो एक शांत जगह ढूंढ के बैठ के आंखें बंद करें तो पांचों इंद्रियां अंदर को बड़ी आसानी से गिरती हैं। अब होता क्या, जैसी आंखें बंद करते हैं तो हम सबको कोई ना कोई विचार आ जाता है, कल क्या हुआ, परसों क्या करना है, किसको मिलना है, घर का कोई काम है, ऑफिस का कोई काम है, बच्चों के साथ कुछ करनी है चीज़ें, कोई ना कोई विचार आया नहीं कि ध्यान विचार में चला गया। महापुरुष जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना, कि भाई जिस चीज़ की भी रिसर्च करें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे ही जो महापुरुष है वो भी रिसर्च करते हैं, वो बाहर की दुनिया की नहीं, वो अंदर की दुनिया की रिसर्च करते हैं। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो हमारे विचार आ रहे हैं वो हमारे मन से आते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, वो मरकरी के माफक है। अगर मरकरी को आप टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो आप देखेंगे वो कभी शांत नहीं रहती, हिलती रहती है। कि हमारा मन भी बहुत चंचल, हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है। तो आंखें बंद की नहीं तो वो कोई ना कोई विचार भेज देगा। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, मन चाहता हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें, हम काल के दायरे में रहें, हम 84 लाख जी अर्जुन में ही अड़के रहें, कि हमारा उसे छुटकारा ना हो। तो महापुरुष समझाते हैं कि मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम करना क्या चाहते हैं, हम पिता परमेश्वर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, ध्यान उनकी ओर करना चाहते हैं। तो हम मन को प्रभु की ओर लगाते हैं, कैसे, प्रभु के नाम का जाप करके, और प्रभु के गुण गाना, प्रभु के नाम के जाप को करना है, प्रभु को याद करना है, किसी भी रूप में करें,
संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि हजार नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। कि पिता परमेश्वर तो हम लोगों ने हजारों नाम दिए हुए हैं ना, कोई उसे वाहेगुरु कहता है, कोई उसे जिहोवा कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा, ये नाम तो इंसानों ने दिए हुए हैं, शक्ति तो एक ही है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हम प्रभु को याद करें, चाहे जिस मर्जी नाम से याद करें, ध्यान उनकी और करें, जिस और हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो जो हमारी आत्मा है, जो प्रभु का अंश है, जो प्रभु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे भरपूर है, वो चेतन है, वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो सच्चाई की ज़िंदगी जीती है, वो नम्रता से जीना चाहती है, वो निष्काम सेवा भाव से जीना चाहती है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हैं, हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सद्गुण सब हमारे अंदर हैं। ये हम हैं कि उन सद्गुणों को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़ गए। अब हमारी आत्मा प्रभु का अंश होने के नाते जागृत है, रोशनी से भरपूर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ये जो बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, देखो कितनी लाइट ये फेंक रही हैं, इनके ऊपर अगर मोटे मोटे कंबल डाल दिए जाएं तो कोई रोशनी दिखेगी नहीं। वही हालत हमारी आत्मा की है, हमारी आत्मा को मन माया कितने पर्दे पड़े हुए हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। जो अभ्यास का तरीका है वो एक एक करके इन पर्दों को हटाना है, ताकि जो असलियत है वो हमारे सामने आए, उसका हम अनुभव करें, और जब अनुभव करेंगे तो फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि आज हमारे गृह बसंत गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, कि हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके गुण गा रहे हैं, हमने शरीर को शांत किया, हम मन को शांत कर रहे हैं आपके नाम का जाप करके। और जब आपके नाम का जाप करके मन को शांत करेंगे तो अंदर जागृति होगी, तो बसंत ऋतु तो हमारी ज़िंदगी में आ गई। हमारी आत्मा जो अंधेरी ज़िंदगी जी रही थी, हमारी आत्मा जिसका ध्यान दुनिया की ओर था, ये माया की दुनिया है, देखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और है, ये पिंड का देश है जिसमें हम जी रहे हैं। पिंड के आगे अन्न का देश होता है, अन्न के आगे ब्रह्मांड का देश है, उसके आगे पार ब्रह्म का देश, फिर सचखंड का देश है। हम सचखंड के वासी हैं, जहाँ चेतनता ही चेतनता है, जहाँ माया की कोई मिलावट नहीं। हम इस पिंड के देश में हैं, जहाँ पे माया माया है, चेतनता बहुत कम, जो हर एक जीव को जान दे रही है। तो इस मानव चोले में होते हुए, जिसमें प्रभु ने सब पदार्थ दिए अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, हम ध्यान प्रभु की और करें। ये बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि एक सुनहरा मौका है ये शरीर, इसको हरि मंदिर कहा गया है, कि प्रभु कहीं आसमान में नहीं बस रहे, पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, उनका एक अंश ही हमारे अंदर है जो जान दे रहा है। लेकिन मुश्किल क्या है कि हमारी आत्मा इस शरीर में, परमात्मा भी शरीर में है, मन की दीवार है जो कि हमें दोनों को जुड़ने नहीं दे रही। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, अगर आपके घर में कोई आया है, आपने दरवाज़ा खोला और आप दरवाजे पर खड़े हो गए, तो वो अंदर नहीं आ सकते। तुलसी साहब ने फरमाया है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान ग्यारों से उठा उसके बिठाने के लिए। कि दिल का हुजरा, हुजरा मस्जिद में वो जगह होती है जो कि सबसे शांत जगह होती है, जहाँ मौलवी जाके आराम करते हैं। क्यों कहते हैं कि दिल का हुजरा, इनर मोस्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट क्या है, हमारी आत्मा। कि दिल का हुजरा साफ करके आत्मा के ऊपर जो मन माया के पड़ते हैं उनको हटाओ, जाना के आने के लिए। शरीर की जान क्या है? आत्मा। आत्मा की जान क्या है? परमात्मा। परमात्मा का हिस्सा है आत्मा। तो ये कहे कि जाना प्रभु को कहा है कि जाना के आने के लिए, अगर पिता परमेश्वर को पाना है, उनको जानना है, उनको पहचानना है, तो हम अपनी आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दों को हटाएं। ध्यान ग्यारों का उठा, कह रहे दुनिया में जो भी वो सब ग्यारह हैं, हमारे नज़दीकी तो पिता परमेश्वर हैं,
बाहर के जो भी हैं वो हमारा ध्यान ढूंढ रहे हैं, कोई हमें यहाँ पे खेच रहा है, कोई वहाँ पे खेच रहा है, कोई वहाँ पे खेच रहा है, कि ध्यान ग्यारहों से उठा उसके बिठाने के लिए, कि अगर प्रभु को पाना है तो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना होगा। तो जो अभ्यास करने का तरीका है, बार 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 महापुरुष अपने लफ्जों में समझा जाते हैं प्रभु हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को, परवाज़ दे के देख जरा, करीब है, उसे आवाज़ दे के देख जरा। हम लोग सोचते हैं ना पिता परमेश्वर हमें कैसे मिले, हम तो रोज़ कभी ये गलती करते हैं, कभी वो गलती करते हैं, कभी यहाँ पे झूठ बोल दें, कभी यहाँ पे किसी की टांग खींच ली, कभी यहाँ पे कुछ और गड़बड़ कर दी। हम इंसान हैं, गड़बड़ों से भरे हुए हैं, कोई ना कोई हम मिस्टेक करते ही रहते हैं। तो हम सोचते प्रभु को कैसे मिलेंगे, प्रभु तो बहुत बड़े हैं, हम छोटे से हैं, पता नहीं प्रभु हमको जानते भी हैं पहचानते भी हैं कि नहीं, इंसान ऐसे सोचते हैं। बस संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि मिलेगा, कि आपको प्रभु जरूर मिलेंगे, करना क्या है, रूह को परवाज दे के देख जाओ, कह रहे अपनी आत्मा को उड़ान दो। इस समय आपकी आत्मा शरीर में जकड़ी हुई है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में गई है, तभी ऐसे काम कर रहे हैं, उसको इकार करो। उसको इकार कहाँ करें, यहाँ शिव नेत्र पर, दसवें द्वार पर। और फिर जब ये दसवां द्वार खुलता है, जब नाम की देन होती है, वो नाम की देन क्या है कि कोई पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो दे के हमारे ये इस द्वार को खोलते हैं ताकि हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हों। तो फरमा रहे हैं कि हम अपनी रूह को उड़ान दें, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, कि अपनी रूह को उड़ान दे के देखो तो सही, अंदर की दुनिया में जा के देखो तो सही। तो अंदर की दुनिया में जाओगे, वो रोशन दुनिया है, वो जागृत दुनिया है, उसमें जाकर आप परमात्मा ज़रूर मिलोगे, कि करीब है, उसे आवाज़ दे के देख जरा, कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर बैठे, उनसे करीब कोई हो ही नहीं सकता। हम ध्यान तो उनकी ओर करें, उनको पुकारें तो सही, उनकी ओर कदम तो बढ़ाएं। अगर सारी पुकार हमारी दुनिया की ओर गई, कदम दुनिया की ओर बढ़ेंगे तो उनके यहाँ बैठे हुए भी हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। तो जो भजन अभ्यास करना है, जो ध्यान टिकाना है, वो अपना ध्यान प्रभु की ओर करना है, और यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। और यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुर से वो कर नमस्कार, आज हमारे मंगलचार। वो कह रहे हैं जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। और फिर एक एक सदगुरु, एक गुरु जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में अंधेरे में रोशनी कर दी, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, कि हम सेवा करने का मतलब है कि ये नहीं कि भारी रूप से, हम तो लोग सोचते हैं ना सेवा करें को गुरु जी हैं, उनके पैर दबा दिए, उनके लिए कुछ हम ले आए, फूल ले आए या कोई फल ले आए या कुछ, हम सोचते हैं हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये बाहर की सेवा की बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक सच्चे गुरु की सेवा एक शिष्य कैसे करता है, कि उनके वचनों पर अमल करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो, जो मेरे वचन है उनको अपनी ज़िंदगी में डालो, अपनी ज़िंदगी वैसे बनाओ ताकि तुम अपनी मंजिल को पा लो। एक गुरु का काम है कि हमारे को वो पिता परमेश्वर से जोड़े, हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत करे, कि उसे मालूम है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो जब एक गुरु आते हैं धरती पर तो उनका मकसद यही होता है कि हम सबके अंदर जो प्रभु बसे हुए हैं उनके लिए प्रेम जागृत हो। वो हमें अपने साथ जोड़ने ही नहीं आते, वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि गुरु सेवो कर नमस्कार, कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हम उनके वचनों मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाएं, हम प्रभु से प्रेम करें। प्रभु से प्रेम करेंगे तो सबसे प्रेम खुद ब खुद हो जाएगा। संदर्शन सिंह जी फरमाते हैं कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। जिस इंसान को पिता परमेश्वर से प्रेम हो गया उसको ये समझ में आ जाता है कि प्रभु मेरे अंदर बस रहे हैं।
जिसको ये समझ में आ गया प्रभु मेरे अंदर बस रहे हैं, उसको ये यकीन हो जाता है प्रभु सबके अंदर बस रहे हैं। जिसको ये यकीन हो गया कि प्रभु सबके अंदर बस रहे हैं तो हर एक से बड़े प्रेम से मिलेगा। अब जब हम अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं तो हम कितने प्रेम कितने आदर से वहाँ पर जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि प्रभु वहाँ पर हैं। हम किसी भी धर्म के हों, जब हमें लगता है कि प्रभु वहाँ पर हैं, हम बड़े आदर भाव से जाते हैं। और जब हम ये अनुभव कर लें कि हर एक के अंदर पिता परमेश्वर हैं, तो सारी धरती पर शांति शांति होगी, आनंद ही आनंद होगा और प्रेम से सबकी ज़िंदगी गुजरेगी। कोई चीज़ गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मालूम हो कि प्रभु हमारे अंग संग हैं तो गलत तो आदमी सोच भी नहीं सकता, काम तो बोलने का काम करने का तो बात ही अलग है। सो उस स्टेट को हम पा सकते हैं, हम में से हर एक पा सकता है। और आगे गुरु साहब समझा रहे हैं कि आज हमारे महा आनंद चिंत लथी भेटे गोविंद, क्योंकि हमारी जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आ गई, आनंद की अवस्था हो गई, जितनी भी चिंताएं थी सब की सब हट गई, क्योंकि पिता परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो गई। प्रभु जो प्रेम के महासागर हैं, उनको हमने जान लिया, पहचान लिया, उनकी हमें जानकारी मिली, हमें नज़दीकी मिली। और जब प्रभु की नज़दीकी मिली, जब हमें यह अनुभव हो गया प्रभु हमारे अंग संग हैं, तो फिर ना कोई फिक्र, ना कोई फाका, किसी चीज़ का डर नहीं। क्योंकि जब प्रभु हमारे अंग संग हैं तो कोई चीज़ ख़राब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम डरते क्यों हैं? एक तो हमें पता नहीं हमारे साथ होगा क्या, कल क्या होगा, फ्यूचर हमें मालूम नहीं है, तो हमें ये समझ में नहीं आती कि कल को हमको खाने के लिए खाना ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर वालों में रिलेशनशिप ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल को फाइनेंसेस हमारे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, हम बुज़ुर्ग हो गए हमारे बच्चे ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे। हम सब ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं, कोई ना कोई विचार। तो विचार के मन जो नहीं चाहता हम प्रभु की ओर जाएं, वो कोई ना कोई दुनिया के विचार भेज देता है। बस जिसने ये अनुभव कर लिया कि प्रभु उसके अंग संग हैं, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, वो तो फिर आनंद की ज़िंदगी जिएगा। यही यहाँ यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझा रहे हैं। और आगे जो जो बसंत ऋतु के बारे में बात करें, उसको और खोल के समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन ला। तो जो फागन का महीना आता है, जो बसंत ऋतु का महीना आता है, उसी में होली का भी मौसम आता है। होली के मौसम में क्या कहते हैं, हम रंगों से एक दूसरे से खेलते हैं। और होली का मौसम ऐसा है, चाहे आप किसी को जानते हो चाहे नहीं जानते, आप प्यार से उसको रंग लगा दो तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपको बड़े प्यार से मिलता है। आप किसी को भी रंग लगा सकते हो। और बच्चे तो होते हैं ना, सड़क पे बैठ के भी पिचकारी से कोई भी जादर पे रंग डाल देते हैं, पर उस दिन कोई कुछ नहीं बोलता किसी को, क्यों? उनको पता है ये प्यार से हमको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि आज हमारे बने फागे, जो फागन का समय है, जो फागन में होली का समय है, प्रभ संगी मिल खेलन लाग। वो कहते हैं कि जो भी प्रभु के संगी हैं, प्रभु के संगी किनको माना जाता है? जो साधु हैं, जो संत हैं, जो प्रभु को याद करते हैं। तो ये कौन सी होली की बात कर रहे हैं? बाहर की होली की बात नहीं कर रहे, ये अंदर में होली खेलने की बात कर रहे हैं कि हम सब पिता परमेश्वर के साथ अपने अंदर होली खेल सकते हैं। इसके बारे में बहुत से महापुरुषों ने लिखा है, मीराबाई जी ने भी लिखा है कि मैंने होली खेली अंदर, और कई संत महापुरुषों ने लिखा है कि मैंने प्रभु के साथ होली खेली और कितनी मुझे खुशी मिली। तो उसी को यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग, होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव। ज़्यादातर पुराने ज़माने तो होली लाल रंग से खेली जाती थी, आजकल तो चाहे बड़े रंगों से लोग खेलते हैं होलियाँ। तो जो लाल रंग है जैसे होली खेली जाती है, वो प्यार को इंडिकेट करता है। तो यही समझा रहे हैं कि जो जो अंदर में यात्रा है हमारी आत्मा की, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अंदर बढ़ते हैं, जब हम ध्यान टिकाते हैं, जैसे मैं पहले कहता जब के शांत जगह ढूंढ के बैठ जाएं, आंखें बंद करें,
प्रभु के नाम का जाप करें तो हमारे सामने अंधेरे में रोशनी के चिन्ह हमें दिखने शुरू होते हैं। शुरू से ऐसे रहते हैं रोशनी आके जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत हम सबके भीतर है। जब हमारा ध्यान टिकता है हमें रोशनी दिखाई देती है, जब हमारा ध्यान टूट जाता है हमें अंधेरा अंधेरा दिखता है। समय के साथ जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो हमें लगता है जैसे रोशनी टिक गई है और फिर बहुत से और नज़ारे भी मिलते हैं। और जब अंदर की यात्रा पर जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है जब अगर आप सुबह उठे हो तो सूर्य का रंग ना बड़ा लाल सा होता है, जब सूर्य आसमान में निकलता है उसका रंग लाल होता है। तो अंदर पे जब हम यात्रा पे जाते हैं हमें वैसे ही लगता है कि जैसे लाल रंग दिख रहा है हमें, उसी को यहाँ इंडिकेट किया गया है। और जो अंदर की यात्रा है उसको गुरु साहब समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि होली कीनी संत सेव रंग लागा अते लाल देव, कि जो जो प्रभु के प्रेम का रंग है, जो लाल रंग है, जिसका हम अनुभव अपनी अंदर की यात्रा पे उसको समझा रहे हैं कि जब हम इस शरीर से उठते हैं जो रियल में होली खेलनी है अपनी आत्मा की परमात्मा में, उसमें खुशियाँ खुशियाँ होंगी, आनंद ही आनंद होगा और प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। हर एक धर्म ग्रंथ यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम करा वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी ज़रूर पाएंगे, कि प्रभु के प्रेम का अनुभव करना ही ज़िंदगी का मकसद है। वो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि जो जो लाल रंग है वो प्रभु के प्रेम का प्रतीक है, कि जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो वो हम प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हैं, और जब प्रभु के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं तो खुशियाँ खुशियाँ आनंद ही आनंद हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और आगे फरमा रहे हैं कि मन तन मोल्या अत अनूप सूखे नाही छाव धूप, करा रहे हैं कि जब अंदर में हम ये जो प्रभु का शब्द है जो कण कण में समाया जो चल रहा है, जब उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारा मन तन सब में खुशियाँ खुशियाँ आ जाती हैं। और फिर चाहे ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, चाहे चीज़ें आसान हो, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, वो कहते हैं हम फिर प्रभु को पाने के मकसद से हिलते नहीं, फिर हमारा मन डोलता नहीं है, वो हमें बाहर की चीज़ों में व्यस्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वो चीज़ पा ली जिससे हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। अब एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई मिठाई अच्छी लगती हो, अब हर एक को अलग, किसी को क्या, किसी को लड्डू अच्छा लगता है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को बर्फ़ी अच्छी लगती है, किसी को चॉकलेट अच्छी लगती हो, ये और फिर जैसे आपको कोई मीठी चीज़ अच्छी लगती है, फिर आप कहीं और जाते हो आपको कोई और मीठी चीज़ लगती है, आपको लगती है तो उससे भी अच्छी है, जब आपको वो उससे अच्छी लगती है तो अगली बारी वो खाना शुरू कर देते हो, उसको छोड़ देते हो पहली चीज़ को, क्यों, क्योंकि आपको ना ये नई चीज़ से ज़्यादा मिठास मिल रही है, ज़्यादा आपको अच्छी लगती है तो लगता है यही ज़्यादा खाए ना, इससे ज़्यादा हमको स्वाद आ रहा है। अच्छा, तो सेम थिंग इज़ विद अस, कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं वहाँ पर हमें खुशियाँ, वहाँ पर आनंद, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, सब चीज़ आरामदायक लगती है, तो दिल करता है कि हम उस अवस्था में ज़्यादा देर टिकें। तो फिर जो बाहर में की दुनिया में जो ऊंच नीच आती है, जो हम हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऊंच नीच आ जाती है, वो हमें फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मालूम है कि सदा सदा का सुख चैन हमें अपने भीतर मिलेगा। तो अंदर की दुनिया में हम बढ़ने की कोशिश हर समय करते हैं, ये यहाँ गुरु साहब फरमा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि सगली रुति हरिया होए सद बसंत गुर मिले देव, समझा रहे हैं कि हर समय हर पल फिर हरियाली हरियाली में ज़िंदगी में होती है, और हमारे अंदर हर समय जो बसंत ऋतु है जो खुशी का मौका है उसी का अनुभव हम हर पल हर क्षण करते रहते हैं। तो गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि जब हम एक बार प्रभु की नज़दीकी पा लें, एक बार प्रभु के प्रेम का अनुभव कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है, कितना चेंज आता है। चेंज इसलिए आ रहा है कि हम उस शब्द के साथ जुड़ गए हैं, चेंज इसलिए आ रहा है कि हमने प्रभु के प्रेम का अनुभव किया, और जो ये अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अंदर से बदलाव आता है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाहर की ज़िंदगी भी सुख चैन से भरनी शुरू हो जाती है।
और आखिर में गुरु साहब फरमा रहे हैं कि बिरख जमिए है पार जात, फूल लगे फल रतन भान। वो समझा रहे हैं कि हमारे को ऐसे लगता है जैसे कल्प वृक्ष होता है। अब कल्प वृक्ष का क्या है कि जो भी आप मांगो आपको मिल जाता है। तो वो फरमा रहे हैं कि हमें अंदर ऐसे लगता है कि एक कल्प वृक्ष हमारे अंदर उग गया है कि जितनी भी हमारी ख्वाहिशें हैं वो सबकी सब पूरी हो जाती हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो पूरी नहीं होगी। वो समझा रहे हैं कि जब हम सबके साथ जुड़ते हैं तो जो जो भी हमें चाहिए ज़िंदगी में, जो जो हमारे लिए बेहतर है, जो जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो सब हमारी ज़िंदगी में ढलता है। और जो सबसे बड़ी इच्छा इंसान के अंदर जागृत होनी चाहिए, जो अपने आप को जानने की है, जो परमात्मा को पानी है, वो प्रबल और हो जाती है और हमारे कदम फिर प्रभु की नज़दीकी तक बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। और आखिर में फरमा रहे हैं कि तृप्त अगाने हर गुण गाए, जन नानक हर 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 ध्याय। तो फरमा रहे हैं कि अब मैं अपने आप को फुली सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि मेरी तृप्ति हो गई, मुझे जो कुछ चाहिए था वो मिल गया, मेरी ज़िंदगी एयर कंडीशन हो गई, बाहर चाहे धूप हो चाहे सर्दी हो, मैं एयर कंडीशन ज़िंदगी जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शब्द के साथ जुड़ गया, मैं पिता परमेश्वर के साथ जुड़ गया। और फरमाए नानक हर 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 ध्याय के ये तब होता है जब हम पिता परमेश्वर के नाम का जाप करते हैं, जब उनको याद करते हैं, जब उनकी ओर ध्यान देते हैं। तो ज़िंदगी का मकसद क्या है ये गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। हम सब इस धरती पर भेजे गए हैं प्रभु को पाने के लिए, और प्रभु को पाने से पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है। पहले सेल्फ रियलाइजेशन, फिर गॉड रियलाइजेशन। हे इंसान, तो अपने आप को जाने, बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, और हिस्ट्री में देखें तो संत महापुरुष शुरू से यही समझा रहे हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जाने, हम जाने कि हम प्रभु के अंश हैं, हम जाने कि ये ज़िंदगी हमें मिली है प्रभु से एक में खोने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए। इस सुनहरे मौके को हम गंवाएं ना, क्योंकि अगर इसमें हमने प्रभु को पाया नहीं और फिर से 84 लाख जिया जो उनमें फंस गए, तो फिर क्या मालूम कि कितने लाखों करोड़ों साल फिर से दोबारा मौका मिले एक शरीर में आने का। तो आज के दिन मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब पर, जिस पर प्रभु बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, हमें मानव चोला दिया है, इतनी दया दृष्टि उनकी हम पर हो कि हम उनके प्रेम का अनुभव कर पाएँ। हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएं, अंदर की दुनिया में कर पाएं, ताकि जो पिता परमेश्वर हैं, जो हमारे अंदर बस रहे हैं, उनकी हमें जानकारी मिले, उनकी नज़दीकी मिले, हमारी ज़िंदगी में उनसे मेल मिलाप हो, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो, ताकि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना है, जो 84 लाख जिया जी उनसे छुटकारा पाना है, उससे हमें छुटकारा मिले और हम सदा सदा की ज़िंदगी जीना शुरू कर दें। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमें सबके साथ जोड़ें, हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक हों। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और उस समय में आपको इस अभ्यास से उठा लूँगा।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लिखो।